लोग सभा में जीते थे गलती से जीते थे ना गलती किए थे इसलिए कहा लोकसभा में हम जीते थे विधानसभा में जीते थे तो वो तो रैली किए थे कार्यकर्ता के नाम पर रैली किए थे तो फ्लॉप हो गया रैली उनका कहाँ चला गया जनता जमीन से उनका पैर घसा गया है जनता छोड़ दिया है उनको कहाँ जाए नीतीश कुमार के जनता मान रहा है जनता तो नहीं माना जनता मानता था पूरा पटना पाटा रहता आदमी से कहाँ कहीं तो नहीं है कहीं सड़क पर नहीं दिखाई दिया कोई के साथ रहेंगे कोई मतलब नहीं है जनता से मतलब वो लोग के नहीं है सरकार किसी को साथ बना ले वो अलग चीज़ है लूटा अपहरण बलात्कार मर्डर सब हो रहा है देखना चाहिए ना कहाँ क्या हो रहा है सो कार्यकर्ता के नाम पर सरकारी लूट हुआ है और कार्यकर्ता का भी मौन नीतीश कुमार से के प्रति समाप्त हो गया है अगला चुनाव में ये दो नंबर पर भी ये नहीं रहेंगे आप लोग भी रैली बुलाएंगे परीक्षा में पास नहीं हो फेल हो गया तरफ से मेरा कार्यस्थगन है मैथिली भाषा के संबंध में आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैथिली संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल है IAS और IPS के इम्तिहान में मैथिली एक विषय के रूप में आप रख सकते हैं लेकिन बिहार जहाँ करोड़ों लोग मैथिली भाषा बोलते हैं बिहार के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा में बड़ी चालाकी से सरकार ने मैथिली भाषा की पढ़ाई को बंद करा रखा है 2 लाख लोगों का लोग आए मात्र 14,000 14 साल के CM के रैली में 14,000 कार्यकर्ता आए यह पर्याप्त है कि अब नीतीश जी से आम जनता का भी मोह भंग हुआ है उनके कार्यकर्ताओं का भी मोह भंग हो चुका है शिक्षा मंत्री शर्म करो शर्म करो शर्म करो मांग पूरी करो पूरी करो पूरी करो मछली के साथ स्वतंत्रता विभाग बंद हो जब तक शिक्षक भूखा है जब तक शिक्षक भूखा